इतिहाज़ एंड एकता आपसे सवाल है आपके स्टेट में आ, फिर से लाला मजनू एक बार फिर से क्यों और ट्रेजिक लव स्टोरी जब भी आई है और उसके साथ नए चेहरे लॉन्च हुए तो कामयाब रही हैं फिल्में तो ये भी एक कारण है और क्या जहन में रहा और इन दोनों का सिलेक्शन कैसे किया कुछ साल पहले एक बहुत बोरिंग पिक्चर आई थी उसका नाम था तमाशा उसमें आ, वो कहते हैं कि वही कहानी फिर एक बार मजनू ने लिए कपड़े फाड़ मार तमाशा बीज बाजार सम स्टोरीज़ लिव ऑन फॉर एवर जब हम पैदा नहीं हुए थे तो लैला मजनू चल रही थी लगता है कि हमारी इंतकाल के बाद भी वो चलेगी सो so, कोई ऐसी चीज़ होती है जो वो कह रही होती है बार बार और उसी वजह से हमने फिर से हज़ार बार बनी है पहले और भी बनेगी हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी बनी है मगर कोई तो चीज़ होगी ना उस कहानी में कि वो बार बार बन रही है तो उसी को डिस्कवर करने के लिए हमने ऐसा किया था सो so, uh, सारी फिल्में बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों के साथ थी हमारे तो न्यू कमर्स हैं इनके सर पे इतना बड़ा बोझ नहीं रखी है ये पिक्चर लोगों को पसंद आए गुड इनफ है इट मे नॉट बी द बिगेस्ट ऑफ द ईयर बट इट्स मोस्ट दैट इम्तियाज जी वो आती तो मैं वो बना लेता बट अभी यही आई है तो यही, यही बनाया <laughs> बहुत सूट करती है इस टाइमलेस क्लासिक है ये कहानी लैला मजनू की और वो जो चीज़ है वो आपको कश्मीर में भी देखने को मिलती है द टाइमलेसनेस एंड द क्लासिकनेस ऑफ इट इम्तियाज जी इस फिल्म में ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी रहेगी हीरो के रोल में जैसे डर में शाहरुख खान ने किया था कुछ ऐसा कुछ है किरदार इनका When कहानी तो वही है जो लैला और मजनू की कहानी है इनफैक्ट हमने बहुत ही होनहार तरीके से उसी कहानी को बनाने की कोशिश की है ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं मगर वो इंटेंसिटी जरूर है आपके में, uh, आपका स्वागत है जी, जी जैसा कि एकता जी ने तो बताया कि उन्होंने इन बच्चों को क्यों लॉन्च किया लेकिन आपने जब इन्हें सबसे पहले देखा तो क्या जहन चल क्या आपके जहन में था और क्या कुछ रीज़न था देखिए हम चाहते थे कि जो जो फिल्म जब देखी जाए तो उसमें लोगों को लगे कि वो लैला और मजनू को देख रहे हैं उनकी कहानी देख रहे हैं तो इस वजह से हम न्यू कमर्स चाहते थे मगर बात यह है कि डेढ़ दो साल तक मेरे ख्याल से ऑडिशन चले और बहुत सारे लोगों को देखा गया और uh, तृप्ति बहुत आखिर में आई मगर अविनाश जो थे वो शायद ही वाज परहैप्स द फर्स्ट गाय टू बी ऑडिशन एंड बी द सेमी फाइनलिस्ट सर बट मैंने 2016 में भी ऑडिशन दिया था <laughs> ये स्टोरी किसी को नहीं पता रियली <laughs> सो <Really? laughs> so, क्या उसने रिजेक्ट हो गई हां ओके तृप्ति जी एंड अविनाश जी आप कुछ अपने बारे में बताइए कि मतलब कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत हमने ट्रेलर तो देखा बहुत ही ब्यूटीफुल है तो कुछ थोड़ा बहुत देखिए तो ट्रेलर कैसा लगा बहुत ही वास्तविक तौर पे मतलब ऑसम ओके थैंक यू थैंक यू हाँ जी देखिए जो ये कैरेक्टर है लैला का ये बहुत हटके है बहुत अलग है Uh, जब भी आप लेला मजनू के बारे में सोचते हैं तो लेला की एक अलग इमेज आती है आपके दिमाग में एटलीस्ट जब मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था तो मेरे दिमाग में लेला की कुछ और छवि थी मुझे लगा था कि लेला बहुत ही शर्मीली किस्म की बहुत ही सुलझी हुई लड़की होगी बट ऐसा नहीं है दो की लेला इज़ अ फ्लर्ट उसे मज़ा आता है अपने पीछे लड़के घुमाने में उसकी झलक आप लोगों ने देखी होगी और उसे वो एक अपनी दुनिया में जी रही है उसके दिमाग में एक अलग फिल्म चल रही है जिसकी वो हिरोइन है उसको बस जिंदगी का मजा लेना है कभी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती शायद प्यार को भी उसने कभी सीरियसली नहीं लिया और उनमें से है जिन्हें शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता और हाँ चीज़ी फिल्मों का शौक है उसे प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है उसे बस ये चाहिए कि काश कोई एक <laughs> बॉयफ्रेंड हो काश कैसा लगता होगा जब किसी के साथ कोई लवर होता होगा कैसा लगता होगा जब क्या बातें करते होंगे ये सब चीज़ें उसको ज़्यादा एक्साइट करती हैं तो इसीलिए मैं कहूँगी ये बहुत हटके हैं बाकी जो रियल लेला हमें लगता है उससे

इसको दूसरी वाली प्रॉब्लम थी सर इफ आई कैन एड टू दैट मुझे नहीं लगता कि मजनू जितना अच्छा दिख रहा है उससे कभी मैं अच्छा दिखाऊँ दैट्स द बेस्ट एव लुक इन माई लाइफ सर इसमें मुझे पता नहीं आप ये जानते हैं नहीं uh, मजनू वॉज अ नेम गिवन टू हिम वो कैस बट हैं uh, जिसका किरदारे ट्रेलर में देखा uh, और कैस से मजनू का जो जर्नी है दैट इज वॉट यू सी इन द फिल्म कैस uh, मुझे लगता है कि बहुत ही सीधा लड़का वेरी ऑनेस्ट एक्सट्रीमली पॉजिटिव और uh, जो आपने सवाल पूछा कि मैंने क्या मेहनत की शक्ल शक्ल शकल तो ऊपर वाले ने ठीक ठाक दी है <laughs> डायरेक्टर साहब ने बोला कहने के लिए तो मैंने कह दिया माय मॉम आई एम रियली गुड लुकिंग सर अविनाश Uh, ऐसा माना जाता है कि आउटसाइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो आप लोग अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए और जो लोग फिल्म में आना चाहते हैं उनके लिए भी टिप्स दीजिए कि हाउ एज एन आउटसाइडर दे कैन ब्रेक थ्रू द इंडस्ट्री थैंक यू आई थिंक की कीवर्ड दैट आई हैव स्टेड विथ इज इज फेथ परसिवियरेंस मेहनत तो हम सब करते हैं आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल आउट देयर uh, better looking, more talented. Mm -hmm. But the faith that you will make it one day is what drove me till this point. मैं भी in fact आने से पहले एक बात कह रहा था कि तुम हीरे हो होगे चमकोगे तभी जब रोशनी तुम पर पड़ेगी so uh, finally when the light falls sorry uh,

मी uh, मुझे ये लगता है कि अगर लाइफ में स्ट्रगल्स ना हो, तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी uh, तो जो भी कुछ मैंने किया इस यहाँ तक आने के लिए मैं उसको एज अ स्ट्रगल काउंट ही नहीं करती बिकॉज मुझे लगता है जो भी कुछ मैंने किया उसने मुझे एक बेहतर एक्टर बनाया है बेहतर इंसान बनाया है uh, और हाँ और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका <laughs> कितने साल स्ट्रगल किया सर कुल मिला के तीन अभी छोटी हूँ थोड़ी तो तीन साल किया नथिंग एक्चुअली मैंने बोला ना सब कुछ जो भी मैंने जिस जो भी मैंने फेस किया उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है और बहुत जो भी कॉन्फिडेंस मुझे मिला है आज कैमरा फेस करने का लोगों से मिलने का वो उसी के वजह से मिला है अगर शायद मैं उस प्रोसेस को उस प्रोसेस में नहीं घुसती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती कुछ लोगों के ऊपर वाला जल्दी सुन लेता है ये उनमें से

अगर एक चीज़ है जिसके आफ्टर परफॉर्मेंस इफ़ आई इफ, मैं जिसमें कॉन्फिडेंट फील करता हूँ वो है म्यूज़िक हमारी फ़िल्म का uh, दो नए न्यू, हैं uh, शायद आपने एक का नाम सुना होगा नैलाद्री कुमार जो सितार वादक हैं और एक और हैं जॉय बरुआ तो इन्होंने गाने दिए हैं हमारी फ़िल्म में एंड आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट द संग

जब इम्तियाज़ सर ने कहानी सुनाई मैंने ऑनेस्टली उस वक्त मेरे फाइनेंशियली बुरे टाइम चल रहे थे बिकॉज़ मेरी दो फिल्में लीक हुई थी मैंने बीच में फिल्म छोड़ भी दी थी और मैंने आई मीन शुरू करने के पहले जब मुझे मेरे uh, मॉम ने ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप वीरे दी वेडिंग कर सकते हो हम अगर पैसा होगा तो खुद का लगाएंगे तो मैंने बोला एक और फिल्म है मुझे शुरू करनी है और वो है लैला मजनू मैंने इम्तियाज़ सर को फ़ोन किया कि एंड ही वॉज इन अ बेड ऑफ अ शॉक बिकॉज एक ऐसी फिल्म जो फाइनेंशली वाइबल पेपर पर नहीं हो वो आप क्यों करेंगे जब आपका फाइनेंशियल ख़राब टाइम चल रहा है तो क्लियरली आप इसका जवाब था कि मुझे ये स्टोरी पसंद है और ज़िंदगी में मैंने जो भी किया है इसलिए किया क्योंकि यहाँ से आता है और उसने मुझे बहुत दिया है कभी कभी नहीं भी दिया है बट मैंने जो भी गलतियाँ की है खुद की किए हैं और मैं ऑल माई लाइफ आई वॉन्ट बी हैप्पी अबाउट दैट अगर मैंने ऑडिशन देखते वक्त कोई ऐसे इंसान को साइन किया होता जो मुझे लगता लैला या मजनू के रोल में फिट नहीं हो रहा है बट इज़ अ बिग इंस्टाग्राम स्टार और स्टार किड आई वुड सेल माई फिल्म आई वुड नॉट बी हैप्पी इन द गट ये दोनों ऑडिशन में बेस्ट निकले तो इनको रोल मिला इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं Uh, Very true. Uh, how much is a challenge in uh, launching new faces? It's a huge challenge, but I've only done that on TV. You won't believe it. There are politicians, there are actors, there are friends of various bureaucrats who call for casting on TV also. But my mom tells me, you know, you're becoming bad. You know, you get a call and you don't cast that person, we have to bear the brunt. But I say, this is my job. When I see a tape, I cast. Clearly, it is a financial stress. But that's a far lesser stress than a stress of not being honest to your job. I've worked on films before this, but this is my first uh, independent um, commercial feature film as a producer. As I said, uh, it, I've learned a lot in this journey as a producer, and uh, Ektā has shown really great faith on this story. More than more faith than I have had on Leila Majnu, she's had on it, and uh, I hope all of you will also like the film. Hi, Hello. Ikta, towards your left. Hi, Priyanka from Indian Express. Ikta, uh, you know, it's not easy to tell the same story again. Yes. You know, some, a story which has been so iconic, and same is happening on TV with your show coming back. Yes. You're telling your own story, yes. but you know there has been criticism from the loyal fans of the first. Yes, uh, yes you know the original show how are you dealing with it and do you think it's a risk to tell the same story of course it's a risk of course it's a huge risk but uh, in a reboot you play around with modern day uh, what should i say issues i mean clearly prana and anurag are not going to be exactly how they were in the old but that's the beauty you take that risk you don't take a risk is a bigger risk and as far as this timeless classic goes we have Imtiaz Ali, we have two great talents, we have a great producer, a superb director. We have a, a story that for a long time we hadn't heard in a time of rom coms. We don't have a real heartbreaking love story for a long time. And especially something which is so and raw and rustic and based in Kashmir. I think I'm happy just going ahead with this journey. Like I said, I can't predict outcomes. I'm not God. I might be panned, criticized, slapped, hated, trolled. But at the end of it, I will do what I want to do. Right. Also, Imtiaz, um, uh, you said that you know, you, the story was on your mind from a long time. Uh, could you tell us uh, about that zone of yours which you were in when you were trying to write Laila Majnur? You thought. And when was it? Had you started your career as a film director? Yes, I was at, I, around 10 years back actually. I was making movies. And uh, I was very fascinated. It was before Rockstar was made. And uh, I was very fascinated by all of these stories. Everybody is, especially Laila Majnu. Because I was wondering why these people who were criticized, hated, stoned in their lives have the status of saints in Sufi vision. They are su what, what happened? You know, I was fascinated. And I was literally, for my own entertainment, sitting at night while I was working in the day in front of the computer and writing scenes because as a writer i can only understand something better by writing it so i was writing so the purpose was just to write and understand and entertain myself by this journey A lot of scenes got made and 10 years later this movie is out hello ekta ma'am ruchita here from Glamshan. Uh, firstly, congratulations for the. Hi, trailer. you I wanted to meet for a long time. <laughs> <laughs> Thanks. So all your shows are really doing well. Even the trailer is very nice. Kasauti is also coming. Congratulations for that. So what are the criteria that you see when a newcomer gives an audition? Because there are so many newcomers who want. So to this is them. a small message I want to call. I don't call them newcomers. I don't call them strugglers. I call them untapped talent. Mm -hmm. And what I'd like to say to them is one, um, when we see an audition, at least I and I don't know how many people might blame me over many things but this is the honest truth when i see anybody's audition it could be a child i found outside uh, jamia uh, jamia's like moni or it could be prachi outside her college in pune or anybody I, we have launched till today we when i see the audition or Smriti, we only notice how good or bad the actor is if there is a vulnerability and if it fits the character so to the young talents out there do not stalk me. Do not follow me. Don't find my number. Don't send me messages. Mm -hmm. Do not find me when I'm jogging. Meet me in gyms. That's called stalking. <laughs> but put yourself on tape. And if your tape reaches me, be rest assured if you fit the role, you will be cast. Your legacy, your background will not matter. And do not get your friends, uncles, politician aunties, or family friends to call me. It will be a dampener. All right, we'll know. just take one last question. Hi, I right, Bhavna Desai from Zee News. to what's your take on My take on nepotism is I don't do it. And I don't really agree with it being only the film industry's problem because I think if you constantly build curiosity about star kids, they become, ex they become great curiosity factors for film industry. So it's a whole world around there. And I think. I, I'm, not, I'm not having a problem with it. I might take a different route, but that's my choice. I might take a route which, not be, may, which not, may not be completely business friendly. I'll probably bundle the f a film that I believe in with two, three bigger films, and probably make two more shows if it doesn't do well, so that the company doesn't suffer, but I will make that, I'll give back. Mm -hmm. You see, you clearly realize that I don't spend too much on clothes. I don't, I buy high street clothes. I don't have those, um, I don't buy high fashion, ever. You'll never find me at a Gucci store. I give back where I get from. I got whatever I got from here, and this is my way of giving back. So, frankly, I personally can't answer about nepotism, but this is my way. I have one tip just stay the way you are. Oh, fantastic. वो सबसे अच्छी बच्ची है मैंने अपनी लाइफ में इतना इतने प्यारे इंसान के साथ काम नहीं किया है और मेरे दिल से दुआ है कि दिस गर्ल विद द हार्ट ऑफ गोल्ड शाइंस लाइक गोल्ड ऑन स्क्रीन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच लेडीज एंड आई एम श्योर